हेलो एवरी वन वेलकम टू डीज कोचिंग हिमाचल दिस इज पार्ट फाइव ऑफ एच पी इकनॉमिक सर्वे ट्वेंटी ट्वेंटी वन सीरीज इन विच वी विल भी डिस्कसिंग चैप्टर नंबर सेवन दैट इज एग्रीकल्चर एंड हॉर्टीकल्चर चैप्टर नंबर सिक्स जो है इकनॉमिक सर्वे का वो हम नेक्स्ट uh, वीडियो में डिस्कस करेंगे सो लेट्स विद चैप्टर नंबर सेवन हिमाचल प्रदेश इकलौता ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसकी एट्टी नाइन पॉइंट नाइन सिक्स परसेंट पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरियाज़ में रहती है दिस डेटा इज़ एज़ पर सेंसस टू थाउजेंड अलेवन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर जो है वो हिमाचल प्रदेश में सेवेंटी परसेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है और स्टेट जी डी पी में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन है थर्टीन पॉइंट सिक्स टू परसेंट टोटल जोग्राफिकल एरिया जो कि हिमाचल का है 55673 स्क्वायर किलोमीटर्स इसमें से 9.44 लाख हेक्टेयर्स हेक्टर्स जो है वो ऑपरेशनल होल्डिंग्स हैं और जिन्हें ऑपरेट किया जाता है 9.97 लाख फार्मर्स द्वारा हिमाचल प्रदेश में जो एवरेज होल्डिंग साइज़ एवरेज लैंड साइज़ जो है वो है ज़ीरो पॉइंट हेक्टेयर इस बात का यहाँ पर खासा ख्याल रखिएगा प्रीवियस ईयर तक जो ये डेटा था इट वाज वन हेक्टेयर लेकिन अभी ये जो लेटेस्ट एग्रीकल्चरल सेंसस आया है उसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया है नाउ एवरेज एग्रीकल्चरल होल्डिंग साइज़ इन हिमाचल प्रदेश इज़ ज़ ज़ीरो पॉइंट हेक्टेयर एंड नॉट वन हेक्टेयर ये ध्यान रखिएगा जो इंडिया में क्लासिफिकेशन होती है फार्मर्स की वो होती है फाइव कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ होल्डिंग एक हेक्टेयर से नीचे जिनके पास ज़मीन होती है उन्हें मार्जिनल फार्मर्स कहा जाता है एक से दो हेक्टेयर के बीच में स्मॉल फार्मर्स दो से चार हेक्टेयर सेमी मीडियम चार से दस हेक्टेयर मीडियम फ़ार्मर्स और जिनके पास दस हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन होती है उन्हें लार्ज फार्मर्स कहा जाता है सो so, इस कैटेगरी के बेसिस पे इस के बेसिस पे लेट्स सी कि हिमाचल प्रदेश में कौन से कैटेगरी के कितने फार्मर्स हैं और ये जो डेटा है इट इज़ एज़ पर टू थाउजेंड फिफ्टीन सिक्सटीन एग्रीकल्चरल सैंसेस तो जो मार्जिनल फार्मर्स हैं हिमाचल प्रदेश में वो सबसे ज़्यादा हैं दैट इज़ सेवेंटी वन पॉइंट फोर वन परसेंट यानी कि मैक मेजोरिटी ऑफ फार्मर्स इन हिमाचल प्रदेश उनका जो लैंड होल्डिंग साइज़ है वो एक हेक्टेयर से कम है स्मॉल फार्मर्स हैं सेवेंटीन पॉइंट फोर फाइव परसेंट सेमी मीडियम है एट पॉइंट टू थ्री मीडियम टू पॉइंट सिक्स वन और लार्ज फार्मर्स हैं जीरो पॉइंट थ्री जीरो परसेंट यानी कि सिर्फ जीरो पॉइंट थ्री परसेंट फार्मर्स के पास ही हिमाचल प्रदेश में दस हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है हिमाचल प्रदेश में चार एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं जिनके नाम है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं द नेक्स्ट इज मेजर क्रॉप्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो सीरियल क्रॉप्स हैं यानी कि जो अनाज वाले क्रॉप्स हैं हिमाचल प्रदेश में वो हैं मेजर राइस व्हीट और मेज़ और अगर हम ऑयल सीड्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में ग्राउंड नट सोयाबीन और सनफ्लावर इसे खरीफ सीज़न में बोया जाता है और रबी सीज़न में रेप सीड मस्टर्ड और तोरिया जो है इन्हीं बोया जाता है दालों में खरीफ सीजन में उड़द बीन मूंग और राजमा इन्हें बोया जाता है और जो ग्राम लेंटल्स होते हैं काले चने उन्हें रबी में बोया जाता है हिमाचल प्रदेश का जो एवरेज रेनफॉल है वो है वन टू फाइव वन एम एम सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उसके बाद चंबा फिर सिरमौर और फिर मंडी डिस्ट्रिक्ट में हिमाचल प्रदेश का जो टोटल एग्रीकल्चरल एरिया है उसमें से जो एट्टी एरिया है वो रेनफेड है यानी कि सिर्फ और सिर्फ ट्वेंटी परसेंट में ही इरिगेशन होती है बाकी जो एट्टी परसेंट है वो टोटली मानसून के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर इरिगेशन परपजेस हिमाचल प्रदेश में दो हज़ार बीस में जो मानसून था वो एवरेज से ट्वेंटी सिक्स परसेंट नीचे रहा फूड ग्रीन प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश में 2019-20 में हुई 15.94 लाख मेट्रिक टन और जो एरिया अंडर फूड ग्रेन है वो कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन कर रहा है आप ये टेबल में देख सकते हैं 97-98 में नियर अबाउट 853,000 हेक्टेयर्स जो था वहाँ पर फूड ग्रेन अनाज बोया जाता था और जो घटकर अब सिर्फ सेवन हेक्टेयर्स रह गए दो -20 में ये डेटा वैसे तो प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट मीन्स में कहीं ना कहीं आपके काम आ सकता है सॉइल टेस्टिंग प्रोग्राम की अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल ग्यारह सॉइल टेस्टिंग लैब्स हैं हर डिस्ट्रिक्ट के पास अपनी एक लैब है एक्सेप्ट लाहौल एंड स्पिति और ये जो सॉइल टेस्टिंग सर्विस है इसे हिमाचल प्रदेश ने पब्लिक सर्विस एक्ट 2011 के अंडर एक पब्लिक सर्विस डिक्लेयर किया हुआ है यानी कि जो सॉइल टेस्टिंग सर्विस है ये आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर प्रोवाइड करनी पड़ेगी टी कल्टिवेशन हिमाचल प्रदेश में टोटल जो एरिया है अंडर टी कल्टिवेशन वो है टू थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड पॉइंट सेवन वन हेक्टेयर्स और दो हज़ार उन्नीस बीस में हमने टोटल टेन पॉइंट ज़ीरो टू लाख के जी चाय का उत्पादन किया टी कल्टिवेशन को हिमाचल प्रदेश में बढ़ावा देने के लिए जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें पचास परसेंट सब्सिडी दी जाती है अब कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स की बात करते हैं तो मुख्यमंत्री नूतन पॉली हाउस योजना इसमें अगर किसी को नया पॉली हाउस सेटअप करना है तो उसके लिए 85 फाइव परसेंट असिस्टेंस दी जाती है राज्य सरकार द्वारा प्लान प्रोटेक्शन प्रोग्राम के अंडर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के अलावा शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स या फिर बैकवर्ड एरियाज़ के जो फार्मर्स हैं उन्हें पचास कॉस्ट पे यानी कि 50 परसेंट सब्सिडी पे प्लांट प्रोटेक्शन केमिकल्स और इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं यानी कि जो भी उन्हें पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स चाहिए या बाढ़ बाढ़ लगाने उसके लिए उन्हें सब्सिडी दी जाती है प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना ये स्कीम रिलेटेड है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से एग्जाम में कई बार क्या होता है वो स्कीम का नाम ऊपर पूछ देते हैं और नीचे पूछा जाएगा कि बताइए ये जो स्कीम है वो पर्टिकुलरली किस चीज़ से रिलेटेड है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इसमें इतना इंपॉर्टेंट याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ज़्यादातर अगर इकोनॉमिक सर्वे में आपसे कोई स्कीम पूछी जाएगी तो मोस्टली वो स्टेट की स्कीम पूछी जाती है सेंटर की स्कीम अगर वो पूछते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ उसका ईयर पूछेंगे जो अभी तक का ट्रेंड रहा है कि कौन से ईयर में वो लॉन्च हुई थी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में लॉन्च की गई थी फिर एक राष्ट्रीय कृषि कृषि विकास योजना है ये सेंटर का ही प्रोग्राम है इस योजना का नाम है रफ्तार जिसे 2007 में हिमाचल में लॉन्च किया गया था पूरे इसके देश के साथ तो ये एग्रीकल्चर और अल्लाइट सेक्टर की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सम्पूर्ण विकास के लिए ये योजना है तो इसका आप नाम और यर याद रखिए डॉक्टर बायस परमार किसान स्वरोजगार योजना स्टेट की ये स्कीम है इसमें अगर किसी को पॉली हाउस लगाना है या पॉली हाउस के अंदर कोई माइक्रो इरीगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एट्टी फाइव परसेंट असिस्िस्टेंस जो है वो सरकार देगी और अगर किसी को वाटर रिसोर्स क्रिएट करना है यानी कि कोई नियर बाय खेत के नज़दीक कोई वाटर सोर्स जनरेट करना है तो उसके लिए फिफ्टी परसेंट सब्सिडी गवर्नमेंट देगी मुख्यमंत्री किसान एवं खेती मजदूर जीवन सुरक्षा योजना जो फार्म लेबरर्स हैं उनके लिए ये स्कीम है इसमें अगर किसी जो खेतीहार मजदूर है उन्हें अगर डेथ के केस में तीन लाख का कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा अगर परमानेंट स्पेशल एबिलिटी होती है तो एक लाख का कॉम्पनसेशन और अगर पार्शल स्पेशल एबिलिटी होती है तो दस हज़ार से चालीस हजार तक का कॉम्पनसेशन इसमें देने का प्रावधान है हिमाचल पुष्प क्रांति योजना नाम से ही पता चल रहा है ये फ्लोरिकल्चर जुफामे को बढ़ावा देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना इसमें अगर आ, किसानों को अपनी खेत के आसपास सोलर पावर्ड फेंसिंग लगानी है यानी कि सोलर पावर्ड से आ, जो बाड़ी लगानी है तो उसके लिए 80 परसेंट सब्सिडी इसमें दी जाती है मुख्यमंत्री ग्रीन हाउस रिनोवेशन स्कीम में अगर किसी को अपने ऑलरेडी लगे हुए पॉली हाउस को रेनोवेट करना है तो उसमें उन्हें असिस्टेंस दी जाती है स्कीम के अंडर अगली है एफिशेंट इरीगेशन थ्रू माइक्रो इरीगेशन सिस्टम स्कीम इसमें अगर किसी किसान को अपनी फार्म फार्म में स्प्रिंकलर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एट्टी परसेंट सब्सिडी दी जाएगी और दूसरी स्कीम इरीगेशन से रिलेटेड है लिफ्ट इरीगेशन एंड बोरवेल स्कीम इसमें लिफ्ट इरीगेशन और बोरवेल well लगाने के लिए पचास परसेंट सब्सिडी दी जाती है सौर सिंचाई योजना अगेन इरीगेशन से रिलेटेड है अगर किसी को सोलर पावर्ड पंप लगाने हैं तो उसमें एट्टी फाइव परसेंट असिस्टेंस दी जाती है सरकार द्वारा कृषि कोष ये जो कृषि कोष है ये अभी क्रिएट uh, किया गया है दो हजार बीस इक्कीस में जिसमें बीस करोड़ का uh, जो प्रोविज़न बजट प्रोविज़न रखा गया था दो हज़ार बीस इक्कीस के फाइनेंशियल ईयर में ये एक क्रेडिट गारंटी कवर और इंटरेस्ट सबवेंशन के तौर पर इस फंड को इकट्ठा किया गया सॉरी क्रिएट किया गया है जिसका टारगेट ये है कि दो तक इसमें सेवेंटी से नाइन्टी फार्मर्स को इसका बेनिफिट देने की जो है वो टारगेट रखा गया है जल से कृषि को बल योजना ये अगेन स्टेट की स्कीम है इसके अंडर चेक डैम्स और पॉन्ड्स बनाए जाएंगे और पाँच सालों के लिए इसका जो टोटल बजट का आउटले है वो है ढाई करोड़ रुपये और दो के फाइनेंशियल ईयर के लिए 25 करोड़ अलॉट किए गए हैं तो इसमें कोई भी अगर कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहे हैं या कोई चेक डैम या पॉन्ड्स बनाए जा रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा खर्चा जो है वो सरकार निर्वाहित करेगी कृषि से संपन्नता योजना ये जो स्कीम है ये रिलेटेड है हींग सेफ्रन कल्टिवेशन से अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप को पता ही होगा कि आ, अभी फिलहाल इंडिया में पहली बार हींग कल्टीवेशन स्टार्ट की गई और वो हिमाचल प्रदेश के स्पिति रीजन में शुरू हुआ है हींग कल्टीवेशन तो ये जो स्कीम है ये हींग कल्टिवेशन से रिलेटेड है और हींग के अलावा सेफ्रिन कल्टीवेशन सैफरन जो है हिमाचल प्रदेश में वो मेनली उगाया जाता है किन्नौर बेल्ट में और हींग का प्रोडक्शन अभी कहाँ स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम स्पिति वैली में तो ये हींग और सैफरन को की जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ावा देने के लिए 2020-21 के फाइनेंशियल ईयर में राज्य सरकार द्वारा स्कीम लाई गई है कृषि से सम्पन्नता योजना और जो इसका बजट रखा गया है दो हज़ार के लिए वो है पाँच करोड़ का और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखिए जो पालमपुर स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायोटेक्नोलॉजी है उसने एक नई वैरायटी ऑफ हींग को आइडेंटिफाई किया है जिन्हें आप हाई अल्टीट्यूड एरियाज लाहौल स्पीति किन्नौर और चंबा जैसे क्षेत्रों में आप इसको उगा उगा सकते हैं यानी कि गवर्नमेंट का ये फर्दर प्लान है कि हींग कल्टिवेशन को धीरे धीरे स्प्रेड किया जाएगा किन्नौर चंबा Uh, के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र हैं और लाहौल स्पीति में ओके okay? अभी फिलहाल तक ये सिर्फ स्पीति में है किसान सम्मान निधि योजना ये स्टेट सॉरी सेंटर गवर्नमेंट का ये स्कीम है जिसमें किसानों को छः हज़ार रुपये का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाता है किन फार्मर्स को जिनके पास दो हेक्टेयर से कम की भूमि है ठीक है और ये जो छः हजार रुपये हैं ये तीन इंस्टॉलमेंट्स में दिए जाते हैं दो दो हजार रुपये के तौर पर कृषि उत्पादन संरक्षण योजना ये एंटी हेल नेट स्कीम भी इसे कहा जाता है इसमें जो किसान हैं अगर उन्हें एंटी हेल नेट्स ओलों से बचने के लिए अपने पौधों को बचाने के लिए एंटी हेल नेट्स खरीदने हैं तो 80 परसेंट सब्सिडी जो है वो राज्य सरकार द्वारा इसमें दी जाती है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये ऑफकोर्स प्रधानमंत्री यानी कि सेंटर की स्कीम है पर ड्रॉप मोर क्रॉप ये इसका मोटो है तो दो हजार में इसे लॉन्च किया गया था और इसमें क्या होता है कि जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें इरिगेशन के लिए इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के लिए 55 परसेंट सब्सिडी दी जाती है और बिग फार्मर्स को मिलती है 45 परसेंट सब्सिडी अब यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्टेट गवर्नमेंट है सेंटर की तरफ से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को मिलता है 55 परसेंट सब्सिडी लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से एडिशनल 25 परसेंट सब्सिडी देती है स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को तो जो हिमाचल प्रदेश के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें इस स्कीम के अंडर टोटल फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है एट्टी का पचपन सेंटर की तरफ से और पच्चीस स्टेट की तरफ से अब फ्रूट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो दिसंबर 2020 तक जो टोटल फ्रूट प्रोडक्शन हुआ था वो था 7.69 लाख टन ये फिगर प्रीलिम्स के लिए याद रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है मेंस में आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं 2021 में ये टारगेट रखा गया था कि 1340 हेक्टेयर्स का एडिशनल एरिया फ्रूट प्रोडक्शन के अंडर हमको लाना था और दिसंबर दो 2020 तक ऑलरेडी ट्वेंटी फाइव हंड्रेड हेक्टेयर के आसपास यानी कि टू फाइव एट एट पॉइंट फाइव टू हेक्टेयर्स का जो एरिया था वो ऑलरेडी फ्रूट कल्टिवेशन में लाया जा चुका था और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नाइनटीन फिफ्टी फिफ्टी वन में जो एरिया था वो सिर्फ सेवन नाइन्टी टू हेक्टेयर्स था फ्रूट प्रोडक्शन के अंडर लेकिन अभी उन्नीस फीस में ये बढ़कर कितना ज़्यादा हो गया है दो लाख के आसपास ये जो हेक्टेयर्स uh, के आसपास जो है ये एरिया टोटल हो गया है एप्पल कल्टिवेशन हिमाचल का ऑफकोर्स मेन जो फ्रूट uh, है दैट इज़ एप्पल तो 49 परसेंट टोटल जो एरिया है यानी कि जितने भी एरिया में टोटल फ्रूट कल्टिवेशन होता है उस एरिया का फोर्टी परसेंट कल्टिवेशन उस एरिया के फोर्टी परसेंट में एप्पल कल्टिवेशन किया जाता है और हिमाचल प्रदेश के टोटल फ्रूट प्रोडक्शन का एट्टी फाइव परसेंट जो हिस्सा आता है वो हमें ऐप्पल से ही आता है और आप देख सकते हैं कि एप्पल कल्टिवेशन में दो नाइनटीन से लेकर तक कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है एप्पल कल्टिवेशन ये जो एरिया इंक्रीज वाली जो फिगर्स हैं प्रीलिम्स के लिए इनको मत याद रखिएगा नहीं पूछा जाता आज तक तो नहीं पूछा गया है लेकिन मेंस के लिए आप डेफिनेटली इनको याद के जाइएगा मेंस में कहीं पर डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है या फिर आप इसी डेटा को इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं फ्लावर कल्टिटीवेशन अगर देखें तो डिसंबर दो में टोटल एरिया अंडर फ्लावर कल्टिवेशन था थ्री हेक्टेयर्स और हिमाचल में दो कल्चर लैब लैबॉटरीज हैं वो इस्टेब्लिश की गई हैं महूभाग चाइल्ड डिस्ट्रिक्ट सोलन में और पालमपुर कांगड़ा में और uh, जो मशरूम यूनिट्स के लिए पॉस्चराइज कंपोस्ट यूनिट्स हैं वो हैं चंबा घाट सोलन में बजौरा कुल्लू में और पालमपुर कांगड़ा में एक uh, मशरूम कल्टीवेशन को प्रमोट करने के लिए 2020-21 में स्कीम लॉन्च की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जिसका नाम है हिमाचल खुम्भ विकास योजना खुम्भ यानी कि मशरूम नाम से ही पता चलता है फिर एक सेंटर की स्कीम है रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम इसमें जो वेदर है वेदर की जो अनसर्टेनिटीज़ हैं उसकी अगेंस्ट क्रॉप्स को इंश्योरेंस दी जाती है फ्रूट क्रॉप्स फ्रूट्स के लिए बेसिकली तो ये दो हज़ार नौ और दस की स्कीम है एप्पल और मैंगो और सिट्रस फ्रूट्स वगैरह के लिए जो स्कीम वो इम्प्लीमेंट की गई है दैट वॉज ऑल अबाउट एग्रीकल्चर एंड होर्टिकल्चर अब इसी सेम चैप्टर के अंडर हमें अगला टॉपिक आता है चैप्टर नंबर सेवन में ही दैट इज़ योर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी तो ये शीप ब्रीडिंग फार्म हिमाचल में कहाँ पर है ये एक ऐसी स्टैटिक इंफॉर्मेशन है जो हर साल इकोनॉमिक सर्वे में इंक्लूडेड होती है और यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जा चुके हैं तो ये तो आपको टिप्स पर याद होनी चाहिए जो भी इंफॉर्मेशन आपको अभी फिलहाल स्क्रीन पर दिख रही है हिमाचल में टोटल चार शीप ब्रीडिंग फार्म्स हैं जियोरी शिमला में सरोल चंबा ताल हमीरपुर और करछम के नौ डिस्ट्रिक्ट में इसके अलावा जो रैम सेंटर है वो है नगवाई मंडी में और जो रैम का मतलब होता है मेल शीप ओके okay? और इसके जो ब्रीड ऑफ रैम्स हैं हिमाचल में वो कौन सी हैं हॉगट्स सोविट मरीनो, अमेरिकन रैम बोले कई बार ये डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछा जाता है ये आपको ब्रीड्स के नाम दे देंगे और आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये क्या हैं किसी आ, फ्रूट की वैरायटी है किसी आ, ट्री की वेरायटी या किसी एनिमल की स्पीशीज़ है तो आपको वो पता होना चाहिए हालांकि एच में अभी तक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन जो अलाइड या एंटी का एग्जाम होता है या जो और दूसरे एग्जाम्स होते हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है ऑलरेडी तो ये आपको पता होना चाहिए इसके अलावा अंगोरा रेबिड फार्म्स हैं कंदवाड़ी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में और नगवाई मंडी डिस्ट्रिक्ट में तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एकदम अपनी फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए हॉर्स ब्रीडिंग फार्म हिमाचल प्रदेश में है लाहौल स्पिति के लरी में जहाँ पर स्पिति ब्रीड के हॉर्सेस को प्रिजर्व किया जाता है और यहीं पर है एक याक ब्रीडिंग फार्म भी ओके okay? राष्ट्रीय गोकुल मिशन ये ऑफ कोर्स सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मिशन है इसमें जो इंडिजीनियस कैटल ब्रीड्स हैं जो हमारी देसी uh, नस्लें हैं हमारी गाँव की साहिवाल और रेड संधि उन्हें इम्प्रोवाइज किया जाएगा क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा तो एक जर्सी पीटी प्रोजेक्ट है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये ऑलरेडी अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है दूध गंगा स्कीम नाबार्ड ने uh, ये के साथ कोलेबोशन में स्टेट गवर्नमेंट ने यह स्कीम लॉन्च की थी 25 सितंबर 2009 को स्कीम्स जो इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जितनी भी स्कीम्स हैं उनके बारे में कोई भी डेट अगर आपको दी गई है कि कब वो इंप्लीमेंट हुई थी तो वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये दूध गंगा स्कीम वाला जो क्वेश्चन है ये एच के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है कि इसे कब लॉन्च किया गया था तो डेट याद रखेगा ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर तो इस स्कीम के अंडर जो डेयरी फार्मर्स हैं उन्हें डेयरी से रिलेटेड इक्विपमेंट्स खरीदने के लिए कोई जैसे मिल्किंग uh, मशीन्स हैं या फिर कूलिंग uh, यूनिट्स हैं वो खरीदने के लिए इसमें uh, जो बैंक लोन्स हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं कितना कितना लोन दिया जाता है वो आप स्क्रीन पर आप अभी देख सकते हैं ओके मूविंग ए हेड बैक यार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट ये भी सेंट्रल सेंटर uh, का ही प्रोजेक्ट है इसमें एक कलर्ड स्ट्रेन वैरायटी चिक्स की यानी कि चूजों की एक स्ट्रेन वैरायटी होती है कलर्ड स्ट्रेन वराइटी जिसे छबरों कहा जाता है वो इस इसके प्रोजेक्ट के अंडर जो फार्मर्स को जो पोल्ट्री फार्मर्स को प्रोवाइड की जाती है और इन चिक्स की इन चूज़ों की दो हैचरीज हैं है हिमाचल प्रदेश में नाहन और सुंदरनगर में हिम कुकुट पालन योजना ये जो है जो बैकयार्ड पोल्ट्री प्रोजेक्ट है उसी के अंडर एक स्कीम लॉन्च की है इसी प्रोजेक्ट के अंडर हिमाचल सरकार ने जिसका नाम है हिमाचल कुकुट पालन योजना कुकुट यानी कि ये पोल्ट्री से रिलेटेड है इसमें तीन हजार चिक्स जो हैं वो अलग अलग वो दिए जाएंगे डेरी फार्मर्स को सिक्सटी सब्सिडी पे शेफर्ड स्कीम जो है शेफर्ड स्कीम में जो लोकल शीप हैं उन्हें क्रॉस किया जाएगा गुड क्वालिटी ऑफ रैम्स रैम्स यानी कि जैसे मैंने पहले बताया मेल शीप को रैम कहा जाता है तो जो लोकल शीप्स को क्रॉस किया जाएगा रैमबोले और रशियन रश्रीडो जो ये फॉरेन स्पीशीज़ हैं इनसे ताकि जो uh, जो आपके पास क्रॉस ब्रीड आए उसकी जो वूल है वो उसकी क्वान्टिटी और क्वालिटी अच्छी हो ताकि जो फार्मर्स uh, हैं जो इससे uh, रिलेटेड हैं इससे जुड़े हुए हैं इस ऑक्यूपेशन uh, से उन्हें ज़्यादा मुनाफा हो फिर एक स्कीम है बी पी एल कृषिक कृषक बकरी पालन योजना इसमें जो लैंडलेस और बी पी एल फार्मर्स होते हैं उन्हें साठ परसेंट की सब्सिडी पे बकरियाँ प्रोवाइड की जाती हैं तीन स्पीशीज़ की बीटल सिरोही की ग्यारह बकरियाँ जमुना परी की पांच बकरियाँ और वाइट हिमालयन ब्रीड्स की तीन बकरियाँ जो है वो स्कीम के अंडर प्रोवाइड करवाई जाती हैं लाइफ स्टॉक सेंसस ये लाइफ स्टॉक सेंसस जो था वो अगस्त सॉरी अक्टूबर 2018 में इसको कंडक्ट करवाया गया था और पहली बार जो ऐसा हुआ था कि इसका डेटा पूरा ऑनलाइन जो है वो कंडक्ट किया गया था तो आपसे जो सेंसस है इसका सिर्फ आपने मेनली ईयर याद रखना है कि कौन से ईयर में लाइफ स्टॉक सेंसस हुआ था और इसका नंबर पूछ सकते हैं कौन सा था ये ट्वेंटियथ लाइफ स्टॉक सेंसस था लाइफ स्टॉक मीन्स मवेशी पशुओं से जुड़ा हुआ सेंसस एच पी मिल्क फेड तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड मिल्क के चिलिंग सेंटर्स बाईस हैं ग्यारह प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं एक मिल्क पाउडर प्लांट दत्तनगर में है रामपुर शिमला डिस्ट्रिक्ट में और एक कैटल फीड प्लांट है हमीरपुर के भोर में और ये इन्फॉर्मेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आप चाहें तो उसको स्किप कर सकते हैं मेन्स और प्रीलिम्स दोनों में नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिशरीज़ चैप्टर नंबर सेवन में ही ये जो थर्ड सब टॉपिक आता है वो आता है फिशरीज़ का तो हिमाचल में जो कोल्ड वाटर फिश हैं वो हैं शीजोथोरैक्स गोल्डन मसीर और एग्जॉटिक ट्राउट्स एंड कार्ड तो ये स्पशीज़ हैं फिश की जो हिमाचल में जिनको जो उनकी फार्मिंग की जाती है और जो ट्राउट की एक वैरायटी है रेनबो ब्राउन ओके okay? सो so, जैसे मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन में कई बार वो नाम देकर पूछ लेते हैं कि बताइए ये फ्रूट है फिश है या एनिमल है या क्या है तो ये आपको पता होना चाहिए राइट right? फिर एक स्कीम है रिस्क फंड स्कीम तो इस रिस्क फंड स्कीम के अंडर अगर जो फिशरी जो आपके पास ये हैं फार्मर्स हैं फिशरी से जुड़े हुए हैं अगर इनके कोई भी फिशरी से रिलेटेड किसी टूल में इंप्लीमेंट में या गियर में कुछ नुकसान हो जाता है कुछ टूट फूट हो जाती है तो स्टेट गवर्नमेंट उसका खर्चा उठाएगी फिफ्टी परसेंट सब्सिडी यानी कि जो भी रिपेयर वाला जो भी खर्चा होगा वो स्टेट अपनी तरफ से पचास परसेंट देगी पचास परसेंट जो है वो फार्मर को देना पड़ेगा और इंश्योरेंस स्कीम भी है फिशरमैन के लिए डेथ या परमानेंट डिसबिलिटी के केस में पाँच लाख रुपये जो है वो इसमें दिए जाएंगे ट्राउट लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम इसमें स्टेट गवर्नमेंट और बेनिफिशरीज़ को जो है वो मिल बांध कर वो इसका प्रीमियम भरेंगे 65 uh, जो परसेंट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट भरेगी और जो 35 फाइव रेशियो होगा वो uh, जो है फिशरमैन होंगे वो उसको भरेंगे एंड दैट सेट फॉर दिस वीडियो जो चैप्टर नंबर सेवन है उसका एक पार्ट अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉरेस्ट वो रहता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और अभी चैप्टर नंबर सिक्स में हमने डिस्कस नहीं किया जो हम आने वाली वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड All the best for exam.